पिछली कक्षा में आप सबने सीखा कि किन धातुओं के कारण, किन विशेष धातुओं के कारण से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वे धातुएं थीं क्रोध, द्रोह, ईर्ष्य, असूय और रुच। अब हम और किन कारणों से चतुर्थी विभक्ति आती है उसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर कुछ अव्यय दिए हुए हैं जिनके कारण से चतुर्थी विभक्ति आती है। पहला है नमः। नमः माने नमस्कार। स्वस्ति, स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण हो। स्वाहा का अर्थ होता है आहुति देना। स्वधा का अर्थ होता है पितरों को जल आदि देना। अलम का अर्थ होता है पर्याप्त। अलम शब्द तृतीय विभक्ति में भी आया था और चतुर्थी विभक्ति में भी आया है। जब अलम अगर आवश्यकता नहीं है इस अर्थ में आएगा तब तृतीय विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं, और अगर पर्याप्त अर्थ में आएगा तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब हम वाक्यों के माध्यम से इन अव्ययों को समझते हैं। पहला वाक्य है शिव को नमस्कार। संस्कृत हो जाएगी, आप सबने कई बार सुना होगा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय तो इसका वाक्य बन जाएगा शिवाय नमः, क्योंकि शिव शब्द का चतुर्थी विभक्ति में शिवाय रूप बनता है। बहुत से लोग ज्यादा भक्ति दिखाने के लिए कई बार अशुद्ध लिख देते हैं, शिवाय में भी विसर्ग लगा देते हैं, वो अशुद्ध है। शुद्ध रूप शिवाय, क्योंकि शिव शब्द के रूप बालक के समान चलते हैं। हमने पिछले पाठों में पढ़ा था कि बालक शब्द के रूप कैसे चलते हैं। बालकः बालकौ बालकाय, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकै, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यो। तो चतुर्थी में बना बालकाय, उसी तरह से शिव का भी रूप चलेगा। शिवः शिवौ शिवाः, शिवम शिवौ शिवान, शिवेन शिवाभ्याम शिवई, और चतुर्थी में आ जाता है शिवाय शिवाभ्याम शिवेभ्यो। तो वाक्य बन गया शिवाय नमः। स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो। अब प्रजा शब्द आकारांत है, आकारांत शब्द के रूप लता के समान चलते हैं। प्रजा का आनी चाहिए थी यहाँ पर षष्ठी विभक्ति, किंतु हम स्वस्ति अव्यय का प्रयोग करेंगे इस कारण से यहाँ चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी। तो लता शब्द का रूप बनता है चतुर्थी विभक्ति में लतायै। उसी प्रकार प्रजा शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बन जाएगा प्रजायै। वाक्य बन जाएगा प्रजायै स्वस्ति। स्वस्ति अगला अव्यय है स्वधा। स्वधा का प्रयोग भी एक तरह से आहुति के लिए ही होता है,
हम अपने पितरों को इस समय जैसे श्राद्ध पक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष में जो हम अपने पितरों को जल आदि तर्पण करते हैं, उसमें हम स्वाहा का उच्चारण ना करके स्वधा अव्यय का उच्चारण करते हैं। वाक्य हो जाए, वाक्य बन जाएगा, पितरों को जलादि स्वीकार हो। संस्कृत में जब हम वाक्य बनाएंगे, पितृ शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति में बहुवचन में रूप बनेगा पितृभ्य। रूप चलते हैं पिता, पितरौ, पितरः, पितरं, पितरौ, पितॄन, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभिः, पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्य। एक वचन में पित्रे, बहुवचन में पितृभ्य। वाक्य बन जाएगा पितृभ्यः स्वधा। वाक्य बन जाएगा पितृभ्य स्वधा स्वाहा। जब हम घर में कोई भी यज्ञ आदि करते हैं, यज्ञ करते समय हम जो अग्नि में आहुति देते हैं, उस समय स्वाहा का उच्चारण किया जाता है। अर्थ होता है अर्थात हमारी जो आहुति है वो अग्निदेव स्वीकार करें। तो अग्नि को आहुति देना, आहुति देना अथवा आहुति स्वीकार हो। अग्नि शब्द का रूप ये इकारांत शब्द है, इकारांत पुल्लिंग। रूप चलता है मुनि की तरह, मुनि मुनि मुनयः, मुनि मुनि मुनीन, मुनिना मुनिभ्याम मुनि भी, मुनये मुनिभ्याम मुनिभ्य। जब चतुर्थी में बन गया मुनये, अग्नि शब्द का बन जाएगा अग्नये, अग्नये स्वाहा। अगला अव्यय है अलम। अलम का मैंने बताया था ये तृतीया में भी आता है और चतुर्थी में, अगर आवश्यकता नहीं है इस अर्थ में आता है तब तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग। और चतुर्थी विभक्ति में जैसे राम रावण के लिए पर्याप्त थे। वाक्य बन जाएगा रामः प्रथमा विभक्ति, और रावण शब्द में चतुर्थी विभक्ति, बालक की तरह ही पहले भी आया था, शिव की तरह शिवाय, तो रावण का हो जाएगा रावणाय अलम। इस प्रकार आज हमने सीखा कि किन किन कारणों से चतुर्थी विभक्ति आती है, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा और अलम, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। वाक्य हमने बनाए नमः का शिवाय नमः, स्वस्ति का प्रजायै स्वस्ति, स्वधा का पितृभ्य स्वधा, स्वाहा का अग्नये स्वाहा, अलम का रामः रावणाय अलम। अगली कक्षा में हम पंचमी विभक्ति किन कारणों से आती है वो सीखेंगे। धन्यवाद।